हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजुटेगनो पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे NTPC 2019 में जो वैकेंसी आई है इसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, और 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसका कितना कट ऑफ गया था, और टोटल वैकेंसी कितना डिफरेंस है, कितनी वैकेंसी है, और किस जोन में सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है, किस जोन में सबसे कम, वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2015 की जो मेरिट है यानी कट ऑफ है वो यहाँ ऑफिशियसली है, और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस जोन से कितनी मेरिट गई थी। ये स्टेज वन का है, ठीक है। तो सबसे पहले अहमदाबाद की देखते हो तो यहाँ पर जनरल 72, OBC 64, SC 57, ST 48। अजमेर की बात करते हैं तो जनरल 77, OBC 70, SC 62। इलाहाबाद की बात करते हैं तो जनरल की 77, OBC 70 और SC की 62। बेंगलुरु की बात करते हैं तो 64, 57 और 30। यहाँ पे सबसे कम जो ये 29 नंबर, यहाँ पे ST की 29 नंबर, ठीक है। भोपाल में देखते हैं जनरल की 72, OBC 66, SC 58। तो इस तरीके से सबसे हाईएस्ट जो तीन जोन है वो कौन से हैं और सबसे लोएस्ट जोन कौन से हैं वो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जोन जो इस पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरिट गई थी तो वो है चंडीगढ़। यहाँ पे जो जनरल की है वो 82 और OBC की 71, SC की 71 और ST की 46। दूसरे नंबर पे जो जोन रहा है उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे 79 जनरल की है, 75 OBC की है, 56 ST की है, 36 ST की। उसके बाद आता है कोलकाता, यहाँ भी 79 जनरल, 71 OBC, 67 SC, 52 ST। अब सबसे कम जो मेरी गई है कट ऑफ वो गई है मुजफ्फरपुर की, यहाँ पे 57 जनरल, 45 OBC, SC का 30 और ST का 25, 25 नंबर ST का, ठीक है। जो सेकंड स्टेप अब आती है दूसरा सबसे कम तो वो है मालदा, मालदा का जनरल 61, OBC 48, SC 43, ST 31। तीसरी जो सबसे कम गई थी मेरिट वो है पटना, 63 जनरल का, OBC का 53, ST का 38 और ST का 26। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे कम जो मेरिट है वो यहाँ पे मुजफ्फरपुर का, और सबसे हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे चंडीगढ़ का। तो ये स्टेज वन 2015 की थी, तो 2015 में जो वैकेंसी भी थी वो 18,500 समथिंग थी, बट इस 2019 में ये वैकेंसी 35,000 समथिंग है। तो अब यहाँ पे एवरेज की अगर बात कर लेते हैं कि 2019 में कितनी वैकेंसी है और उसके हिसाब से कितना कट ऑफ बनने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम जर्नल की बात करें अनरिजर्व, तो ओवरऑल अगर बात करने वाले हैं तो यहाँ पे इसकी बात अगर कर लेते तो ये 79 से लेके 83 तक आएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं OBC की, तो OBC का भी जो है वो यहाँ पे 75 से 79 के समथिंग जो यह है मेरिट बनने वाली है, एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। SC की बात करते हैं अगर SC की, तो SC की जो मेरिट है वो यहाँ पे 70 से 75 के बीच में होने वाली है। और ST की बात करते हैं तो ST की जो मेरिट है वो यहाँ पे 60 से 65 के बीच में होने वाली है। अब आप इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जो भी जिस भी कैटेगरी से आप हैं तो अपनी कैटेगरी से आप 2 नंबर प्लस या माइनस करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि कहां से वो सबसे हाईएस्ट अभी भी जो जोन माने जा रहे हैं इस बार वो है चंडीगढ़, इलाहाबाद, मुंबई, ये तीन चार, और तिरुवनंतपुरम, ये तीन चार जोन ऐसे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरिट जाने वाली है। तो
आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।